हेलो वर्कर फ्रेंड्स, दिस इज मनी एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस पे ईमेल इशू, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसे फिक्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जाना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, प्लगइन सेक्शन में। यहाँ पे टाइप करना है आपको पोस्टमैन SMTP। व्हेन यू सर्च फॉर पोस्टमैन SMTP, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये प्लगइन दिखेगा। आपको इसे इंस्टॉल करके और एक्टिवेट कर लेना है। जैसे इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एंड एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे सेम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, तो डैशबोर्ड में आपको जाना है। एक्टिवेट करने के बाद डैशबोर्ड में यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग्स का ऑप्शन। आप देख रहे हैं पोस्टमैन SMTP नॉट कन्फिगर्ड यहाँ करके आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यहाँ स्टार्ट द विजर्ड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट नेक्स्ट आपको यहाँ पे डालना है ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल भेजना चाहते हैं। किसी तरह का भी ईमेल जो डिलीवर होगा आपके साइट से, वो तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, जैसे नो रिप्लाई यूट्यूब वगैरह वगैरह करके। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। अगर आपके पास GMail ID है तो आप GMail डाल सकते हो, अगर आपके पास Business ID है तो Business डाल सकते हो। यहाँ आपको नाम डाल देना है, चाहे तो अपना नाम डालो या वेबसाइट का नाम डालो जिसके थ्रू आप भेज रहे हो। तो मैं अभी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सर्वर सेलेक्ट करना है। अगर आपने Gmail सेलेक्ट किया है, Gmail ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, तो Gmail का आप यहाँ पे SMTP सर्वर मिल जाएगा। मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ये जो SMTP सर्वर, मेरा बिजनेस अकाउंट है तो मैं बिजनेस वाला कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपका Gmail का है तो देन यू कॉपी Gmail SMTP सर्वर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू हिट नेक्स्ट। और जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे कनेक्टिविटी टेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाने लगेगा। तो आपको यहाँ पे SMTP सेलेक्ट करना है और वहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मतलब पहले से ही सिलेक्टेड है वही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी चलेगा। अगर आप गूगल पे कर रहे हैं तो वो भी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने SMTP सेलेक्ट किया हुआ है और 587 पोर्ट है, क्योंकि मेरे बिजनेस में होस्टिंग में यही दिया हुआ है। तो उसके बाद सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट आपको वही ईमेल आईडी डालना है। अगर आप जीमेल वाला यूज कर रहे हो तो GMail ID डालना है। इनकेस यू आर यूजिंग बिजनेस ईमेल आईडी तो आपको बिजनेस ईमेल आईडी डालना है। एंड जस्ट नेक्स्ट यू हैव टू इंटर द पासवर्ड फॉर द दिस ईमेल आईडी। सो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पासवर्ड डाल के शो करूँगा। तो मेरा पासवर्ड है, मैं डाल लेता हूँ अभी एंड देन हिट नेक्स्ट। उसके बाद लीव इट एम्प्टी, जैसा है वैसे ही आप इसे रहने दो और देर आफ्टर यू हैव टू हिट नेक्स्ट अगेन एंड हिट फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे इसे नॉट नाउ करके आप आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे देखिएगा कि पोस्टमैन कन्फिगर दिखा रहा है। थोड़ा जूम करके आप देख लीजिए, तो यहाँ पे पोस्टमैन कन्फिगर्ड हो गया है। अभी मुझे इस चीज़ को टेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है सेंड ए टेस्ट ईमेल। यहाँ पे आपको कोई सा भी ईमेल आईडी डालना है और उस पर सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा कि हाँ ईमेल चला गया, और आप चेक करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। उसके बाद आपको फिनिश करना है एंड दैट्स आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस एंड नाउ यू हैव ए फुली कॉन्फ़िगर्ड SMTP सर्वर ऑन योर साइट। तो इस तरह से आप अपना साइट, अपने साइट के आप जो भी ईमेल इशू है, ईमेल डिलीवरी इशू है, ईमेल डिलीवर नहीं हो पा रहा है, उसे आप फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने वेबसाइट से न्यूज़लेटर भेजना है, लाइक बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजना है एक साथ, आप चाहते हैं कोई मैसेज भेजना, तो उसके लिए आपको ईमेल लिस्ट तो चाहिए ही, साथ ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है न्यूज़लेटर प्लगइन का। आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरह के वीडियो या इस पे भी वीडियो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आप रिकमेंड करो हमें, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल सेम वीडियो कि कैसे आप बल्क ईमेलिंग कर सकते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो मैं एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो फ्रेंड्स जैसे ही आप पूरा कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आप इजीली अपने वेबसाइट के थ्रू चाहे तो बल्क ईमेल ही कर सकते हैं, या जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल अगर कोई फिल करता है तो उसके ईमेल आपके साइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आपके पास डिलीवर हो जाएगा मैसेज जो भी उसने डिटेल फिल किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं न्यूज़लेटर प्लगइन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे आपको देख रहा है कि मैं कई सारे टेम्पलेट्स एंड और कई सारी चीज़ें मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ स्टेटस में सेंडिंग करके आ गया दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने लगभग 800 लोगों को पहले यहाँ पे मेल भेजने के लिए सेटअप किया हुआ है कंप्लीट। तो यहाँ पे अब ये सारे मेल डिलीवर हो जाएंगे जो बचे हुए थे। इनिशियली मेरे साइट में प्रॉब्लम आ गई अचानक से, तो आई फिगर्ड इट आउट एंड आई फिक्स्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसी तरह के वीडियो टेक्निकल या बिजनेस से रिलेटेड या हाउ टू ग्रो योर बिजनेस इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते होंगे। अगर से वीडियो आपको पसंद आई है और आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाएँ। हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो के नीचे आपको इजली सब्सक्राइब का रेड बटन दिख जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, ये एब्सोल्युटली फ्री है, मैं आपको बता दूँ। आपको वहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना है, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर करने के लिए यहाँ नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वीडियो शेयर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड स्टे ट्यून्ड विद बिग बिजनेस इंडिया चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।